थी हमारी 8-10 कोड वाली बुक स्टार्ट कर रखी है हमने, तो 8 प्रश्नावली चल रही थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था हमारा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद में जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसको समझना है कि उसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्या निकालना है, कैसे कैसे उसका प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेंगी उसकी, आराम से हम समझेंगे सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। चाहे एक क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे कि जिससे हमको वापस से वो चीज़ पढ़ना पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट हमको देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cot A = 4, ठीक है। इसको पहली बात तो ये कि पहले इसको हम थोड़ा ठीक लिख लेते हैं कि संख्या को एक तरफ cot A = 4/3। अब हम फर्स्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं, जिसमें हम जानते हैं कि cot A जो होता है वो होता है आधार बटा लंब। अब इसको हमको बनाना है एक समकोण त्रिभुज पर, एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे हर सवाल में जो हम बनाते आ रहे हैं। तो ये कोई समकोण त्रिभुज है, एंगल लिखा हुआ है A, मीन्स जहाँ पर हम थीटा बनाते हैं वहाँ पर हमको लिखना है A, ठीक है। ये वाला एंगल यूज़ किया है इसने। अब cot A होता है आधार बटा लंब, तो इस समकोण त्रिभुज में आधार क्या है, ये वाली भुजा, तो आधार का मान है 4 और लंब का मान है 3, ठीक है। बाकी जो बिंदु है वो कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर B और यहाँ पर C। तो ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें A एंगल के करस्पॉन्डिंग cot A का मान दिया हुआ है 4/3, ठीक है। तो पहली बात तो ये, इसको देने का मतलब है कि हमको दो चीज़ें दी हुई हैं समकोण त्रिभुज के अंदर, एक उसका आधार और एक लंब। अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, 10 का यूज़ आएगा, 10 लंब बटा आधार होता है, साइन भी यूज़ आएगा और कॉस भी यूज़ आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये पूरा नहीं लिखा है मैंने, आप बुक में देख सकते हैं, ये चेक करना है कि क्या ये और ये पार्ट बराबर होगा। इसकी जांच करनी है कि क्या ये दोनों बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो मीन्स पहले हमको एक बार इसका मान निकाल के देखना है, बाद में इसका मान निकाल के देखना है, फिर हमको चेक करना है कि दोनों मान बराबर आते हैं या नहीं आते। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी साइन ए और कॉस ए के मान की, जिसमें साइन और कॉस दोनों में कर्ण का यूज भी होगा। तो अब पहली बात तो ये कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो तीसरी भुजा बच गई उसका मान हमको निकालना है। उसका मान निकालने का तरीका हम हर क्वेश्चन में पढ़ते आ रहे हैं, क्या तरीका है, त्रिभुज में हमको लगानी है पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से सेम पैटर्न चल रहा है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी प्रश्नावली है, ये सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हो गए इसके। कि सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगानी, पाइथागोरस प्रमेय से जो एक भुजा हमको नहीं दी हुई है वो निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। मान रख देंगे जो हमको दिए हुए हैं, तो कर्ण का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है 4 और लंब दिया हुआ है 3, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ऐड करेंगे दोनों को तो ये आ गया 25। ये किसका मान, कर्ण के स्क्वायर का। अब हम जानते हैं कि 25 होता है किसका वर्ग, 5 का वर्ग, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इट इम्प्लाइज कर्ण के स्क्वायर का मान 5 का स्क्वायर है, तो मीन्स कर्ण का मान क्या हो गया 5। तो जो तीसरी भुजा बच गई वो भी हमने निकाल ली, उसका मान क्या है 5 है, ठीक है। अब तीनों चीज़ें, तीनों भुजाएं हमको पता है, अब हमको हमारा क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि इसका जो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बराबर होगा या नहीं होगा। तो एक एक करके मान निकालेंगे हम दोनों का। तो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लेते हैं LHS, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है उसका मान हम निकाल रहे हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या यूज हो रहा है? टेन ए, टेन क्या होता है? लंब बटा आधार, मीन्स 3/4। ये मान हम यहाँ पर लिख लेंगे साइड में, जो जो हमको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम 1 माइनस टेन ए का मान क्या है? 3/4। तो लिख लेंगे इसको 3/4। अब ये टेन ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम मान का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर सिर्फ प्लस है, बाकी संख्या से है सारी, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ये बटे का निशान, ये 1, ये माइनस, स्क्वायर करेंगे 3/4 का, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 प्लस 9/16। हल करेंगे इसको, पिछले वाले सवाल में किया था हमने जस्ट वैसे ही, कि एलशियम लेंगे तो एलशियम आएगा ऊपर वाली संख्याओं का 16, यहाँ पर यह आ जाएगा 16-9, और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 16 और 16+9। ठीक है, हल करेंगे इसको, यहाँ से घटा देंगे तो ये बचेगा 7 और बटा 16, और बटे में जो संख्या है वहाँ पर बचेगा 25/16। ऊपर भी बटे वाली संख्या है, नीचे भी बटे वाली संख्या है। सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था कि जो नीचे वाली बटे वाली संख्या है वो कहाँ आ जाएगी? ऊपर, और जो बटे वाली संख्या है उसका अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह लिख देंगे इसको, पहले ये बटे में था, ये ऊपर आ गया, और ये 25 अंश में था वो हर में चला गया। ठीक है, यहाँ पर ये 16 से 16 हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया? लेफ्ट हैंड साइड का। अभी हमको किसका मान चाहिए? राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसका। राइट हैंड साइड में दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या क्या? एक साइन ए और दूसरा कॉस ए। त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ चुके हैं, याद होंगे कि साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। इसी तरह ये होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया 4/5। ठीक है, मान रख देंगे। सेकंड जो आरएचएस वाला पार्ट है वो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मान रख देंगे दोनों के। कॉस का मान क्या है? 4/5 का स्क्वायर, और साइन का मान है 3/5, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, सरल करेंगे इसको, ये हो गया 16/25 और ये हो गया 9/25। हर एक जैसा है दोनों का, एलशियम आ जाएगा 25, और ये डायरेक्ट घट जाएंगे क्योंकि हर एक जैसा है। 16 में से 9 गए, आ गया 7/25। मीन्स राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आ गई? 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई? बराबर। मीन्स क्या लिख सकते हैं हम? इट इम्प्लाइज LHS बराबर RHS, या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो जो दो टर्म हमको दी हुई हैं उन दोनों की वैल्यूज़ कैसी हैं? बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंपल है, सिर्फ जो दिया हुआ है वहाँ वो हमको समकोण त्रिभुज के अंदर रखना है। जो वैल्यू नहीं है जिस भी एक भुजा की, उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। जब पाइथागोरस प्रमेय से हम वो वैल्यू निकाल लेंगे जो नहीं दी हुई है, उसके बाद में जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं वो सारे हमको लिखने, और बाद में वैल्यू रख के जोड़वा किए, उस जोड़वा की को हमको हल करना है। तो दोनों वैल्यूज़ कैसी आई? बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लिख सकते हैं इसको।